कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। यूपी कांग्रेस के देश के कांग्रेस ने आह्वान किया था कि हम लोग यहाँ धरना दे प्रदर्शन करें और प्रदर्शन किया है, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। अगर डीजल पेट्रोल के दाम इसके बाद भी अगर घटे तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। सड़कों पर आकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे और एक तमाम बाजारों को बंद कराएंगे। इसलिए केंद्र सरकार से हमने अपील की है कि वो जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा है हमने राष्ट्रपति महोदय को संबोधित कि वो जल्दी डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर दे, वरना बहुत बड़ा आंदोलन किया। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता संविधान को मानने वाले हैं। अगर एक कोरोना वायरस का जो हम लोगों को फैलाया जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने अपनी मास्क लगाया है। और वैसे मार्च तो ये है कि यूनियन बैंक की सरकार को जगाने के लिए आए हैं। यूनियन बैंक की सरकार अगर जाग जाए और ये जो 15 दिन में कोरोना वायरस की हुई है, किसानों को 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा रहा, लाखों रुपए का इसके अंदर किसानों को नुकसान है और 20 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, किसी भी किसान भाइयों को उनका मुआवजा नहीं मिला। हमारी मांग है कि मृतक किसानों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया। तो आज की मांगे आपकी क्या कहती है? आज की मांगे भी पूरे शहर के अंदर गड्ढा कर रखा है, पाइपलाइन घुस रही है, लेकिन कोई भी उसके अंदर सुधार नहीं हो रहा। रोज कोई ना कोई सवारी, ई रिक्शा, पैदल चलने वाला यात्री उसके अंदर गिर जाता है। और जितने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियां हैं, सब सॉफ्ट से लेकर और टोपी तक उसके जो भी रेट है उसके 25% आ रही है और हर साल उनकी ड्रेस बदली जाती है और उनके जो भी उनकी किताबें हैं वो भी हर साल उनको चेंज किया जाता है। हमारी मांग है कि 5 साल तक उनका कॉलेज का जो भी आपका सिलेबस है वो आपका चेंज ना हो।